विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण दोनों को मांगा। राजा दशरथ ने राजा होने के नाते संत की सहायता के लिए राम और लक्ष्मण को दे दिया। यज्ञो भई विष्णु हो, बिना भगवान के यज्ञ सफल भी कैसे होगा, भगवान को चाहिए। राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र यज्ञ की ओर बढ़े तो मार्ग में विश्वामित्र ने कहा कि ये महिला जो है ये मेरी तपस्या को बहुत बिगाड़ रही है और इस महिला की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। ये महिला मेरा चरित्र हनन करना चाहती है। कौन है महिला? ताड़का। तो भगवान श्री राम ने पहली बार अपने गुरुदेव के द्वारा सिखाया हुआ धनुष बाण उतारा और पहली बार उस दैत्या को मार डाला भगवान राम। ताड़का का मतलब है माया। माया जब ऋषि मुनि पर आक्रमण करती है तो उनके त्याग और तप सब को भंग कर देती। ताड़का को मारकर भगवान पहुंचे और यज्ञशाला निर्माण की। भगवान ने स्वयं राम और लक्ष्मण दोनों ने जंगल से सामग्री इकट्ठा करके यज्ञशाला बनाई और पूर्वाभिमुख विश्वामित्र जी को बिठा दिया यजमान बनाकर कि अब आप यज्ञ करो। पूर्व दिशा में पूर्व द्वार पर राम खड़े हो गए और दक्षिण दिशा में जहां से राक्षस आ रहे थे वहां लक्ष्मण खड़े हो गए। राम की जरूरत ही नहीं है, यहां लक्ष्मण ही संभाल लेंगे सारा खेल। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया दक्षिण दिशा में। तो यज्ञ जैसे प्रारंभ हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुई और सुगंध देवताओं की तरफ उड़ने लगी तो राक्षसों को पता चला। राक्षस सीधा विमान लेकर के आ गए यज्ञशाला के ऊपर और विमान में से यज्ञ गंदा हो जाए, यज्ञ दूषित हो जाए तो ऊपर से रक्त हड्डियां मांस ऊपर से डाल रहे थे। अब आप समझ गए मांस हड्डी का क्या मतलब है यज्ञ से, पूजा पाठ से। तो यज्ञशाला में हड्डी का टुकड़ा आने पर ही यज्ञ खराब हो जाता था पहले। खाना पीना ये तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए यज्ञशाला को इस तरह बनाया जाता है कि एक चींटी भी यज्ञ में जाके मर ना जाए, भस्म ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। और इतना ख्याल आचार्य को रखना भी चाहिए, नहीं तो ये अपराध पंडित को भी लगता है। यज्ञ संपन्न हुआ, मारीच और सुबाहु ने लाख प्रयत्न किए, लक्ष्मण जी को भगवान ने आज्ञा दी एक ही बाण मारा और बाण की गनगनाहट ही ऐसी थी कि भाग गए डर के मारे। यज्ञ संपन्न होते होते संपूर्ण विद्या, 6 वर्ष यज्ञ चला था विश्वामित्र जी का, तो 6 वर्ष में विजय कुमार, 6 वर्ष में भगवान ने यज्ञ की रक्षा भी की और यज्ञ की रक्षा करते करते भगवान ने पढ़ाई भी की, गुरुदेव के पास विद्या अध्ययन भी किया, दूसरे गुरु जी के पास, पहले गुरु जी वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी ने कहा राम इनकी यज्ञ रक्षा भी करो और जो विद्या मेरे पास नहीं है वो विद्या इनके पास है, वो विद्या भी ले लेना इनसे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब विद्या जरूरी है, तुम भगवान हो, ब्रह्म हो और मेरे शिष्य हो। हर एक गुरु को यही भाव होना चाहिए कि मेरा शिष्य दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञानी, धर्मात्मा, दानी, सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए। मेरे पास में नहीं है देने के लिए शिष्य को तो किसी दूसरे महात्मा का पता बताना चाहिए, वहां जाओ बेटे, वो महात्मा आए उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनके शरणागति जाओ। ऐसे गुरुजन होते हैं तो वो ईमानदार गुरु हैं, लालची नहीं है। ऐसे गुरु को पाकर चेला धन्य हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। वशिष्ठ मुनि आज्ञा पाकर के राम जी ने विद्या धारण की, लक्ष्मण ने विद्या ली। विद्या का नाम है अति बला। अति बला विद्या का अर्थ है बिना पानी के भी जिंदगी जीना। विश्वामित्र जी को यह ज्ञान था, उनके पास में ये योग था, प्राणायाम था कि वो हवा से मोक्षर पैदा कर लेते, सूत के हवा से। अगर आप हवा को अंदर की तरफ खींचते हैं लंबी देर तक तो आपको पानी नहीं पीना पड़ेगा। उस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम।
उस प्राणायाम का नाम है शीतकारी प्राणायाम। यह प्राणायाम नित्य करने से हाई बीपी की बीमारी भी खत्म हो जाती है और शरीर में पानी की कमी भी कभी आती नहीं है। नहीं, ये जो हवा है ना, जो दिख नहीं रहा, पानी इसी में है। जो पानी तुम्हें दिख रहा है वो सतह पर, वो हवा का ही पानी नीचे पड़ा हुआ है बरस के। जो तुम्हें दिख नहीं रहा वो पानी ये है जो हवा में दिख नहीं रहा है, जो दो दिन से हवा से गिर रहा है नीचे। तो पानी का जहां घनत्व ज्यादा होता है हवा में, उसी को बादल कहते हैं। पानी की मात्रा हवा में अधिक होने से उसी को बादल कहा जाता है। तो हवा के वेग से पानी जो है यात्रा कर सकता है। जैसे पंप क्या करती है, हवा बनाती है। पंप में ऐसी चक्री होती है, छेद होते हैं, हवा बनाती है, यूं घूमती है और हवा के प्रेशर से पाताल का पानी ऊपर आता है। उस पानी से हम नहाते ही पीते हैं। तो हवा ही पानी को लाती है। कहीं भी अगर आपको होली खेलनी है, पिचकारी मारनी है, तो पिचकारी के अंदर भी हवा होती है। पिचकारी अगर आपने पूली भर ली तो चलेगी नहीं, उसमें थोड़ा गैप रखना पड़ता है। तो जो खाली स्थान है आकाश, तो उस आकाश में हवा है, उस हवा के प्रेशर से ही पानी जो है यहां से वहां पहुंच जाता है। तो ऐसे ही पानी, जैसे मानसूक का पानी कहते हैं, वो हवा के वेग से बादल बन के, भाप बन के आप तक आता है और वही पानी बाद में समुद्र बन जाता है, नदी बन जाता है, तालाब सरोवर बन जाता है। ये सब बातें यही मिलेंगी सुनने के लिए। केवल कथा राम जी की चल रही है तो ये बातें हैं उसमें। बिना पानी पिए भी जीवन जीने का कभी कभी आपत्ति विपत्ति संकट आ जाते हैं। राम जी को तैयार किया जा रहा है आगे के लिए, भविष्य के लिए। और ये कौन कर रहा है? गुरु लोग, साधु लोग, सन्यासी लोग रेडी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला राम का। और ये सब तभी हो सकता है जब पत्नी ना हो, पार्टनर ना हो, तब सब हो सकता है। पार्टनर होने के बाद में तो फिर मैंने फिर कहूंगा, फिर वही है, फलाने महाराज आए हैं, योगा टीचर आए हैं, योग करा रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से मिला देते खड़े खड़े, कभी नहीं मिलेंगे। फूफा करने से भगवान नहीं मिलेगा। ये सब ढोंग है। भगवान को पाने के लिए आपको बचपन से भी स्टेबल होना पड़ेगा। अचानक नहीं हो सकता कुछ भी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। अच्छा, गाड़ी चल रही हो और आप झटके से टर्न कर दें गाड़ी का, तो क्या होएगा? हाँ, तो क्या करते हैं अपन चौराहे पर गाड़ी को टर्न करते हैं, तो कैसे करते हैं? धीरे, कुछ ब्रेक का सहारा, कुछ स्टीयरिंग का सहारा, स्लो मोशन। और जड़ झटकापटकी हो जाए तो सब लुकनान हो जाएगा, सब परेशानी हो जाएगी। राम जी विद्या लेकर तैयार हुए तभी एक पत्र आया विश्वामित्र के आश्रम पर। पत्र को पढ़ा, उस पत्र में लिखा, संस्कृत में थी भाषा पहले, उसी में लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हे महर्षि, मेरी कन्या सीता जो मेरी लक्ष्मी पृथ्वी का स्वरूप है, उसका स्वयंवर है फलानी तारीख में। आप अगर पधारोगे तो मेरी बेटी का स्वयंवर सत्य और सफल होगा। अर्थात बिना गुरुजी के, बिना संत के, साधु सन्यासी के कन्यादान भी नहीं करना, फल नहीं मिलेगा। बिना गुरु बनाए कन्यादान का फल नहीं है, बिना गौदान किए कन्यादान का फल नहीं है, बिना गंगा नहाए गौदान का फल नहीं है। गंगा नहाओ, गौदान करो, गुरु बनाओ और पवित्र होके पाप सब खत्म करके तब कन्यादान करो, फिर कन्या सुखी रहेगी, उसका संसार अच्छा रहेगा। ये तीन काम बिना किए हो रहे हैं पूरे विश्व में, भारत को छोड़ के। तो क्या हो रहा है? आज पत्नी है कल नहीं, आज पति है कल नहीं, सब लफड़े हो रहे हैं। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, रिश्ते का कोई महत्व ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा चल रहा। धन्य हरे सनातन, धन्य हरे भारत, तेरी सभ्यता तेरी संस्कृति। पाप धो दे पूरे पाप धो के कन्यादान, कन्यादान विशेषते। कन्यादान बहुत ही पुण्य का काम है महाराज, नरक से निकाल देता है माता पिता को कन्या का दान। पर कन्यादान करते समय कैसा होना चाहिए दान करने वाला पति? राम जैसा होना चाहिए,
राम जैसा पति कहां से आए, दारू ना पिए, तंबाकू ना खाए, मछली ना खाए, बकरा ना खाए, दोनों टाइम तीनों टाइम भजन करे। हैं, ऐसा पति कन्या के लिए ढूंढो जो भगवान को जपने वाला, भजने वाला और शाकाहारी सात्विक विचार वाला, वो मेरी बेटी को खुश रखेगा, वो मेरी मेरी बेटी की बात को समझ पाएगा, वो मेरी पुत्री को समझेगा। पी के क्या समझेगा, खा के क्या समझेगा, पता नहीं। बाकी तो फिर आप सब जानते हैं, ज्यादा संख्या वही है यहाँ चूसने वाली। क्या करूं मैं भी, पर मैं तो कहूंगा, मैं तो तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं तो तुमको चाहता हूं कि तुम गंगा जल हो जाओ। मैं गटर के पानी जैसा नहीं देख सकता, गंगा जल हो जाइए। हाँ, समुद्र में गटर का पानी मिल जाता है, चले जाता है, कोई बात नहीं, समाप्त हो गया। हा हा हा, गंगा जल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गटर आ जाए, कोई गंदा आदमी आ जाए ना, वो भी धन्य हो जाएगा गंगा जल होने से। गंगा में जितने भी नाले डूबे हैं, उन नालों को भी गंगा ने गंगा बना दिया है। सब नाले का पानी भी पी रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं गंगा की वजह से। एक पवित्र आदमी न जाने कितनों को पवित्र कर सकता है, है? मुझे पता नहीं मैं कितना पवित्र हूं, पर मैं इतना बता सकता हूं कि करोड़ों की संख्या में लोग अधन्य हो चुके हैं इतने सालों में, निर्द्वंद हो चुके हैं। कितनी गलतियां करते थे, कितना अपराध, सब छूट गया, लोग अच्छा जीवन जी रहे महाराज, करोड़ों करोड़ों लोग अच्छा गृहस्थ, अच्छा उन्नति कर रहे हैं। ये सत्संग की महिमा है। राम जी ने जब देखा पिता गुरु जी क्या पढ़ रहे हैं, पूछा तो कहा, वत्स तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ में जाने का हमको मौका मिल रहा है। कल्पना करिए, त्रेता युग में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ यानी राजा दशरथ से भी उत्तम गृहस्थ राजा जनक का था। राम जिस घर में पैदा हुए हैं वो गृहस्थ कितना उत्तम होगा, जिसके घर में राम पैदा हुआ हो उससे भी उत्तम माने सीता का घर है जनक जी का। विश्वामित्र ने क्लियर कह दिया, दुनिया का सबसे उत्तम गृहस्थ के घर जाने का मौका मिलेगा, जीवन धन्य हो गया। विश्वामित्र तो सन्यासी थे, सन्यासी कह रहा है कि हम धन्य हो जाएंगे उस गृहस्थ में जाकर। तो कोई कोई गृहस्थ इतना अच्छा होता है कि सन्यासी भी फेल है उसके आगे। सन्यासी उस घर में जाकर भोजन कर ले और एक दिन रुक जाए तो सन्यास भी सफल हो जाता है। तपस्या बढ़ती है अच्छे घर का भोजन करने से, अन्न अच्छा खाने से, अच्छे लोगों का संग करने से, अच्छे चेलाओं को आशीर्वाद देने से साधु की भी तपस्या बढ़ती है। और आप बेकार लोगों के घर खाओ पियो सो तो साधु बर्बाद होगा, मिटेगा। अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा, वैसा ही तन बनेगा और वैसे विचार। इसीलिए साधु को चाहिए कि सोच समझ के घर प्रवेश करे, घर निवास करे। जिस घर में गुरु मंत्र नहीं, जिस घर में गुरु का जाप नहीं, उस घर में साधु को जलपान भोजन निवास नहीं करना चाहिए। क्यों? उस घर का कोई भरोसा नहीं है। उस घर में न जाने कौन सी मछली आती है, कौन सा बकरा, कौन सा मुर्गा। और साधु को भी उसी किचन में से आना है, उसी किचन में से वही सीटी, कुकर वही है, दाल चम्मच भी वही है सब पकाने की, खाली धो पहुंच के रख दिए हैं, बदला बदली कुछ नहीं है, बहुत लफड़ा है। इसीलिए सब नुकसान हो रहे हैं महात्मा संत साधु आचार्यों के, धन का लालच उन्हें खींच ले जाता है और बाद में वो मिटते बर्बाद होते फिरते। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में एक शिला मिली, राम जी ने कहा, गुरुदेव ये क्या है? तो गुरुदेव कहने लगे, राम ये जो शिला है ये तुम्हारा इंतजार कर रही है 100 वर्षों से। क्यों? तो कहा, ये शिला नहीं थी पहले, ये ऋषि की पत्नी है, पर इंद्र देवता ने गौतम ऋषि की पत्नी को बहकावे में लाकर ठग लिया, उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसके कारण गौतम ऋषि ने पत्नी को श्राप दे दिया कि तेरी सुंदरता के कारण ही इंद्र तो तू पत्थर की बन जा। तो पत्नी ने कहा, स्वामी मैं पत्थर की क्या, मैं तो मिट्टी कुट्टी जो चाहोगे बन जाऊंगी, गलती हुई है, पर चरित्रहीनता का जो कलंक है इससे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मार्ग दिखाओ।
तो इसका मार्ग है, गौतम ऋषि कहते हैं इसका मार्ग यही है कि तू मुझे छोड़ करके राम का ध्यान कर। भगवान राम जब आ जाएंगे उनके चरणों की रज तुझे मिल जाएगी, तेरा सारा कलंक धुल जाएगा और तू महान सती बन जाएगी। सती जाप कर रही है राम का। आदमी के कलंक छूटने के लिए भगवान ही है और कोई नहीं है, केवल प्रभु ही छुड़ा सकते हैं। उनका ध्यान भजन ही आदमी को अच्छा बना सकता है।